इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले समस्त स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, मैं इसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ये मैंने टाइप वाइज डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ, और इस में जो करा रहा हूँ मैं वो करा रहा हूँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं उनका डिफ्रेंसिएशन मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनमें से आगामी बहुत परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले पहचान बहुत जरूरी है, कब हम लॉगरिथमिक द्वारा करते हैं। तो ये पहचान ये है, द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स, यानी फंक्शन की पावर भी फंक्शन ही हो तो हम उसका जो डिफरेंशिएशन है वो लॉगरिथमिक द्वारा करेंगे। ये इसके पहचान है, 8 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 8 है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसमें कराऊंगा। साथ में मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप एक ही लाइन में इनका आंसर ला सकते हो। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा, उस ट्रिक को आप केवल कंपटीशन में यूज कर सकते हैं, एकेडमिक में उस ट्रिक को यूज नहीं करना है, उससे आपके नंबर कट सकते हैं। यहाँ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो उस मेथड से करा रहा हूँ जिससे आपके बोर्ड में पूरे 100% फुल मार्क्स आए। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। सबसे पहले देखिए पहचान ये, फंक्शन की पावर फंक्शन होना चाहिए, यानी ये फॉर्म होनी चाहिए। अगर ये फॉर्म है तभी हम लॉगरिथमिक द्वारा करेंगे। इस क्वेश्चन को बिना लॉग के भी कर सकते हैं, लेकिन वो केवल कंपटीशन में अलाउ है, शॉर्ट ट्रिक है, वो एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर पूरा आपको मैट्रिक्स से कराऊंगा जिससे बोर्ड में आपके 100% मार्क्स आए। इसके लिए कुछ लॉग के फॉर्मूले जहाँ यूज होगा वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। देखिए, लॉग एम इंटू एन ही होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, लॉग एम अपॉन एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, और लॉग में बेस और वैल्यू सेम हो तो उसका मान होता है 1, और लॉग एम अब बेस में एन हो तो इसे लिखते हैं लॉग एम अपॉन लॉग एन। यहाँ बेस में हम एक जैसा रख लेते हैं कुछ भी, तो इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इसे करते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले एक लाइन लिखी जाती है, वो लिखी जाएगी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ध्यान रखें तब करना है जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो। और ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें जो बच्चे हैं ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि प्लस में भी लॉग ले लेते हैं। लॉग जो लिया जाता है केवल मल्टीप्लाई में या पावर में या डिवाइड, प्लस या माइनस में लॉग नहीं लिया जाता। कुछ बच्चे प्लस माइनस में लॉग लेके इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। अब देखिए, लॉगरिथमिक वाले चैप्टर से बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पर 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। जब आप इन 8 क्वेश्चन को कर लोगे तो इनके बेस पे जो और क्वेश्चन है वो भी आप खुद कर सकते हो। तो चलिए देखिए करते हैं स्टार्ट। वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग लेंगे तो यह होगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स, यहाँ लॉग वाई एम की पावर एन से। देखिए इस वाले फॉर्मूले से ये क्या होगा, एन पहले ले लेना एक्स लॉग एक्स। अब इसका करेंगे प्रोडक्ट रूल से, और इसका करेंगे चेन सिस्टम से, पहले लॉग का फिर वाई का। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशियल जीरो नहीं होता ना ही वन होता है, केवल होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। ये फर्स्ट और ये सेकंड लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1/y और वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए फर्स्ट ऐसी रहा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसी रहेगा और एक्स का डिफरेंशियल, इसे सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई यहाँ जाएगा 1+ के लोग एक्स, वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई की वैल्यू है एक्स की पावर एक्स, वाई की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर एक्स और 1+ लोग एक्स, दिस इज आंसर। अच्छा आंसर ना, तो देखिए ये हो गया ठीक। अब इसी को, अब देखिए क्वेश्चन और है ये वाला, अब इसको देखो कैसे करेंगे ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे करना जैसे ये क्वेश्चन किया। तो देखिए, तो पहले मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई, वही लाइन लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा
लॉग वाई लॉग एक्स की पावर वाई। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले से एन ई पहला जाएगा लॉग वाई वाई लॉग एक्स, इसको फिर वही क्वोशेंट रूल से करेंगे और प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का वन अपॉन वाई वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका वही फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो फर्स्ट ऐसी सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसी फर्स्ट का डिफरेंशियल, वाई का डिफरेंशियल होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए वन अपॉन वाई यहाँ से वाई सी लोअर का डिफरेंशियल क्या होता है वन अपॉन एक्स और लोअर एक्स ऐसी रहा डी डी एक्स ऑफ वाई, कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे इसको उठा के इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा इधर आके ये हो गया वाई अपॉन एक्स, अगर वाई की वन से मल्टीप्लाई करी वाई अपॉन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई को वन ले लिए तो क्या बचा वन अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है अब देखिए इसको यहां से एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा क्या है यहाँ वन मान लेंगे वन माइनस के वाई लोग एक्स अपॉन वाई और यहाँ वाई अपॉन एक्स। अब जब इधर जाएगा तो ये पलट जाएगा तो क्या आ गया यहाँ देखिए जरा बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जाएगा नीचे वाली चीज ऊपर पहुंच जाएगी ये हो जाएगा ऊपर जाके वाई स्क्वायर और ये एक्स और इंटू में क्या आएगा वन माइनस वाई लोग एक्स। देखिए क्या प्रूफ करना था हमें वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वन माइनस के वाई लोग एक्स। अब यहाँ पर ये एक्स और है देखिए आंसर में यहाँ पे एक्स नहीं है तो इस एक्स को इधर लिख लेते हैं तो ये हो गया एक्स डी वाई ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर वन माइनस के वाई लोग एक्स। देखिए बिल्कुल एज इट इज प्रूव हो चुका है बहुत आसान है लोग के क्वेश्चन आप समझिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट ट्रिक से करना तो हम कैसे एक लाइन में कर सकते हैं बिना लॉग लिए, तो इसके लिए देखो जरूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशियल है यानी फंक्शन की पावर और फंक्शन है तो बिना लॉग लिए डिफरेंशियल कर सकते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट बहुत जल्दी। लेकिन इसको बोर्ड में आप अप्लाई मत करना आपके मार्क्स कट सकते हैं, इसलिए ये केवल कंपटीशन के लिए है लेकिन आपको आंसर चेक करने के लिए ये रूल मैंने बता दिया है। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि एक्स की पावर एन का क्या होता है पावर पहले आती है उससे एक कम हो जाती है और ए की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। ठीक तो अब देखिए देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से कैसे इसको करते हैं जरा समझेंगे, बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन है ट्रिक है ये तो ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। डिफरेंस करना है इसका तो पहले हमने देखिए लिखा डी डी एक्स ऑफ वाई तो क्या डी डी एक्स एक्स की पावर एक्स। ठीक यहाँ इसको लिख लिया। अब लिखने के बाद जरा ध्यान दें यहाँ पे क्या ये सब वेरिएबल मानना है इसको कांस्टेंट मानना है यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट लेकिन नीचे एक्स वेरिएबल होता है एंड कांस्टेंट होता है तो क्या होगा पावर पहले आएगी और उससे एक कम हो जाएगी। ठीक है अब इस वाले स्टेप में देखिए कैसे करेंगे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल यानी ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का क्या होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो ऐसी रहेगा इनटू लॉग ई बेस ए, ए क्या आएगा जो नीचे होगा नीचे क्या आया होता नीचे है एक्स तो यहाँ जाएगा एक्स। ठीक एक्स की पावर एक्स इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया एक्स की पावर एक्स और ये एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है और एक्स की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए वन प्लस लोअर। ये होता शॉर्ट ट्रिक्स आप लॉगरिथमिक फंक्शन का इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन करते हैं कर सकते हैं। इनका याद कर लीजिए ये दो फॉर्मूले यूज होते हैं और साथ में यही यूज होता है तो मैं सकता हूँ आपको इसे अच्छी लगी होगी। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए दो क्वेश्चन लिखे, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको मैं कैसे करा रहा हूँ जरा ध्यान से समझेंगे। इसमें बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक कर लेते हैं, जरा ध्यान देंगे। आप कभी भी इनफाइनाइट तक लिखा हो ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा होगा वही राइट हैंड साइड में प्लस होगा। आप देखो कैसे प्लस होगा। अब देखना ये जो है पद है वो इनफाइनाइट टर्म तक है, कितना इनफाइनाइट है। ऐसे ये देखिए ये जो लिखा हुआ वो अनंत तक लिखा हुआ, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ। तो अगर हम क्या है इनफाइनाइट में एक टर्म्स को कम भी कर दें तब भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। अगर मैं यहाँ से ये अलग पद ऐसे छुपा लूँ तो तब भी इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वही होगी जो मैं इसे मानूंगा। तो ये जो है वाई बराबर है, तब भी इसकी जो वैल्यू होगी वो वाई होगी। ऐसे यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके पहले टर्म को छुपा लूँ ऐसे, तो तब भी इस पूरे की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वाई वही होगी। तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं देखिए, तो इसमें क्या है एक पद को छोड़ के सभी को वाई मानने पर, यानी एक पद को हम छोड़ देंगे बाकी सभी के स्थान पर वाई रख देंगे। तो इसे लिखेंगे जरा देखेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा देखना अगर मैं इसको छुपा लेता हूँ तब भी तो देखो ऐसे लग रहा ठीक है, इतना देखिए ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ से देखो ठीक। तो इतना हमने छुपा लिया ठीक, और बाकी सबके स्थान पे क्या रख देते हैं बाई, यानी एक पद को छोड़ के सभी को बाई मानने पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन वाई, वाई इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस के ये ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या एक पद को छुपा लेंगे और बाकी सबको क्या हम ले लेंगे वाई ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स ऐसे रहा और प्लस के वाई। अब देखिए मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे इसमें, तो मिस्टेक ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कभी कभी क्वेश्चन में बाय के प्लेस पे कुछ अलग दे दिया जाता है, मान ली वी दे दिया लेकिन रख पाई दे देते हैं। इस बार ध्यान रखना जो लेफ्ट में होगा वहीं यहाँ रखना ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक पद को छोड़ के सभी के स्थान पे वाई, अब क्यों रख रहे हैं इस बात को ध्यान दें, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है, इनमें से हम एक पद कम भी कर लेते हैं तब भी इसकी जो वैल्यू होगी वही होगी जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ठीक है, यानी वाई ही होगी। तो आप इसको करते हैं देखिए, तो ये तो फंक्शन ये दोनों क्वेश्चन देखिए वैसे ही हो सकते हैं, हम चाहें तो बिना लॉक के भी हो सकते हैं ठीक है, तो बिना लॉक के भी कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो इसे देखिए वाई जी का टू एक्स स्क्वायर, इसको लिखा मैंने वाई की पावर माइनस वन, अब यहाँ डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। इसमें देखिए क्या हुआ, पावर पहले आएगी और उसमें से एक कम हो गई, यहाँ भी देखिए पहले आई वन और उसमें से एक कम कर दी, और उसके बाद वाई का और करेंगे, वाई का होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ से ये हो गया टू एक्स की पावर वन, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस का वाई की पावर माइनस टू, अपन इसको इधर ले आते हैं इधर प्लस हो जाएगा, और ये टू एक्स y की पावर माइनस टू, डी डी एक्स ऑफ वाई को मैंने कॉमन ले लिया ये मुझे वन, और y की पावर माइनस टू को मैं ले सकता हूँ वन अपॉन वाई स्क्वायर, और यहाँ पर टू एक्स। देखिए आंसर ये लगा, आंसर जब अब टू कम बस एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर वन मान लेते तिरछी गुणा वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई स्क्वायर और इक्वल टू में टू एक्स। अब ये चीज ऊपर पहुंच जाएगी तो कितना हो गया टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस के वाई स्क्वायर, ऊपर वाला ये नीचे जाएगा, दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये भी हम करते हैं, तो इसको हम देखिए लोग लेके भी कर सकते हैं और बिना लोग के भी कर सकते हैं, जैसे हमें ठीक लगेगा वैसे हम इसको करेंगे। तो आंसर ये लाना ठीक है, तो इसको हम लोग लेके कर ले तो और अच्छा लगेगा, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, लोग लेंगे क्या आएगा बताइए, लोग वाई और इधर लोग एक्स की पावर लोग ए की पावर एक्स प्लस वाई, यहाँ बेस में जो ई होता है ठीक है। अब यहाँ पर
अगर कुछ नहीं लगा लोग में तो वेस्ट में ही समझना चाहिए, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक नेचुरल लोग और एक साधारण लोग। तो यहाँ पर हम पूरी डिफ्रेंसिएशन में नेचुरल लोग पढ़ते हैं, इसलिए वेस्ट में ई का यूज करते हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा तो ई समझना चाहिए। और देखिए ये वाला फॉर्मूला कौन सा, ये वाला, तो एन क्या होगी, पीछे जाएगी, तो क्या लिखेंगे इसको, एक्स प्लस वाई पीछे आ गया और यहाँ पर लॉग ई। और वेस्ट और वैल्यू सेम हो तो उसका मान कितना आ जाता है, वन। तो इसके स्थान पर हम लग सकते हैं वन। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लोग वाई का वन अपॉन वाई, चेंज सिस्टम से लोग वाई का वन अपॉन वाई, फिर वाई करेंगे वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, या डी वाई ओवर डी एक्स, या डी वाई ओवर डी एक्स भी बोल सकते हो। एक्स का डिफरेंशियल हो गया वन और वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई। वैसे शुद्ध रूप में, प्योर रूप में डी डी एक्स ऑफ वाई बोलते हैं, और अशुद्ध में आप यही बोल सकते हो डी वाई ओवर डी एक्स या डी वाई ओवर डी एक्स। पिछले में वैसे यही चल रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स। इधर आगे माइनस हो जाएगा वन, कॉमन ले लेते हैं वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू वन। अब देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, यहाँ पे क्या है वन है, वन माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू वन, और घर जाके पढ़ लिया जाएगा, ये हो जाएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई, और यही हमें लगाना था, ये हो गया प्रूफ्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए वही फंक घात क्या है, इनफाइनाइट तक लिखी हुई है, तो इनफाइनाइट तक में अगर हम एक टर्म कम भी कर दें तब भी वो इनफाइनाइट ही रहता है। तो मैं अगर इतना छुपा लूँ तो जो शेष बचा आगे वाला उस सबकी वैल्यू वही होगी, देखिए इतना छुपा लें तो उन सबकी वैल्यू वही होगी जो लेफ्ट में लिखी है। तो मैं इसको ये ले सकता हूँ वाई इक्वल टू एक्स की पावर वाई, वेयर वाई क्या है, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स इनफाइनाइट। यहाँ से एक पद मैंने हटा दिया तब भी टोटल की जो वैल्यू है वो वाई है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, तो हम कैसे करेंगे, कैन बी डिफरेंशिएट बाय लोअर थ्रेड्स। अब एक इधर भी है देखिए, यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही हो रहा, रिपीट हो रहा, इनफाइनाइट पहचान ये इनफाइनाइट तक होना चाहिए, अगर ये इनफाइनाइट तक ही है तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, वो जो लेफ्ट में लिखा वही हमें लिखना। यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा, तो एक को छुपा लेंगे हम ऐसे करके, और बाकी सभी के स्थान पर क्या रख देंगे, जो लेफ्ट में लिखा, तो क्या लिखेंगे इसको, साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस, ये जो लेफ्ट में लिखा है ये ध्यान रखेंगे, अगर लेफ्ट में वी है तो वी लिखना है, यू है तो यू लिखना है, और वाई है तो वाई लिखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब दो क्वेश्चन हुए, अब हम देखिए इनको करते हैं, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर करते हैं, देखिए छोटा ही यही छोटे में ही हो जाएगा। तो क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, तो हम कर लेंगे टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, जब लॉग लेंगे तो क्या है, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर वाई। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया था एक्स की पावर वाई, दूसरा क्वेश्चन ये पहला जाएगा वाई लॉग एक्स, इसको करेंगे प्रोडक्ट रूल से, वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डिफरेंशियल वन अपॉन वाई, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, ये प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड ऐसे रहेगा, और फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई इधर पहुँच गया, यहाँ पर जाओ वाई, लो एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स, लो एक्स ऐसी, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई के अंदर एंट्री कर देते हैं, जब वाई के अंदर एंट्री करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर ऑन एक्स प्लस वाई लो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको उठा के इधर ले आते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं, क्या आएगा, वाई लो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
और ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा वन माइनस के वाई लॉग एक्स, आंसर इज अबाउट टू कम। देखिए ये प्रूफ करना, तो यहाँ पर एक्स, अच्छा ये एक्स था, देखिए यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया एक्स है, ठीक वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स को इधर ले जाएंगे और इसको इधर, दिस इज आंसर, क्या हो गया मैंने एक्स को इधर लिख लिया और इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये अभी हमने पहले दूसरा क्वेश्चन भी किया था वही है रूट। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आ रहा है, इसको भी बिल्कुल सेम वैसे करेंगे हम, ठीक है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक देखो प्लस में लोग तो हम ले नहीं सकते, सीधी बात तो ये है, पहले हम रूट हटा लेते हैं, तो हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, जब वर्क करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर और इधर साइन एक्स प्लस कोस वाई प्लस के वाई, राइट। अब डिफरेंस करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का टू वाई, वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, साइन एक्स का डिफरेंस कोस एक्स, कोस वाई का माइनस के साइन वाई, और वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी वाई का देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, इनको सबको एक साइड में ले जाते हैं, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये बचा कॉस एक्स, यहां सब में से देखिए कॉमन है डी डी एक्स ऑफ वाई, क्या बचा टू वाई प्लस साइन वाई माइनस वाई, और ये कॉस एक्स, ये पूरा अपने पहुंच जाएगा, और दिस इज एंसर, दिस इज एंसर प्रूफ्ड, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, प्रूफ नहीं करना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन ये वाला है, इसमें ज़्यादातर मोस्टली 50% बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको जरा आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन ये वाला, सात छः क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, और ये सातवां क्वेश्चन है, आठवां ये, तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहले दोनों साइड में लॉग लेंगे, लॉग लेके जो जाएगा लॉग वाई और साइन एक्स लॉग एक्स, और फिर प्रोडक्ट रूल से कर देंगे, बड़े आराम से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। तो अब मैं जो क्वेश्चन है ये वाला, ये मैं करा रहा हूँ, देखिए इसको बड़ा ध्यान से समझना आपको। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये डाल लीजिए कि अगर बीच में प्लस या माइनस है दो फंक्शन के बीच में, तो कभी भी हम लॉग नहीं ले सकते। अब बिना लॉग के हम इसको कर भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसके लिए ट्रिक है। तो पहले तो जो भी फंक्शन दिया हो उसे हम कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं हमने बाय, क्या मान लिया हमने इसको, लेट y इज इक्वल टू, मान लिया मैंने साइन x की पावर cos x प्लस cos x की पावर साइन x, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, जो इतना फंक्शन है ये वाला, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं y2, ठीक है। तो अब यहां से क्या हुआ, ये y इज इक्वल टू हो गया वाई वन प्लस वाई टू। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ y, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई वन प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई टू, ये डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब समझिए हमने क्या करा, इसे पहले फंक्शन को y1 मान लिया, दूसरे फंक्शन को y2 मान लिया, तो ये हो गया y इक्वल टू y1 प्लस y2, इसका डिफरेंस करा डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ y1, डी डी एक्स ऑफ y2। अब हमें क्या करना, y1 डी डी एक्स ऑफ y1 और डी डी एक्स ऑफ y2 के वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेयर
वाई वन कितना है, ये साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और वाई टू कितना है, ये कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो हमने देखिए क्या प्लस में तो लोग नहीं ले सकते, तो अलग अलग तो ले सकते हैं, तो हमने क्या करा इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ से dy1 अपॉन ds निकालेंगे, यहाँ से dy2 अपॉन ds और उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो अब इसमें लोग ले सकते हैं। देखिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक मैं इधर कर देता हूँ और एक यहाँ कर देता हूँ, तो y1 वाला तो यहाँ लिख लेते हैं log y1 इज इक्वल टू log साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, दूसरा हम यहाँ कर देते हैं y2 बराबर है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स। ठीक है, तो लोग लेंगे यहाँ भी टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लोग लेने पर। ठीक है, तो लोग लेंगे यहाँ पर log y2 बराबर log cos x की पावर sin x। ओके, तो दोनों को यहाँ पे आप करना आ गए, log हमने ले लिया, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ, फिर यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। तो अब यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log का क्या होता है डिफरेंस बताइए, वन अपॉन वाई वन, और वाई वन का डी वाई वन अपॉन जी एक्स, ये जो किससे हुआ चेन सिस्टम से, पहले लोग का फिर वाई वन का, और वाई वन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका जीरो भी नहीं होगा और वन भी नहीं होगा, तो ऐसे लिख देंगे डी वाई वन अपॉन जी एक्स। और यहाँ देखिए ये क्या हुआ, अच्छा पहले इस यहाँ पर इसे पीछे ले आइए इस वाले फॉर्मूले से, पहला जाएगा क्या जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से करेंगे देखिए इसका, तो मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, पहले मैं इसको लिख एक लाइन और बना देता हूँ, शॉर्ट ज़्यादा सही नहीं रहेगा, log y1 बराबर आ गया cos x log sin x, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, लोग का वन अपॉन वाई वन, और वाई वन का डी वाई वन अपॉन डी एक्स। अब देखिए फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, फर्स्ट ऐसे रहेगा, सेकंड का डिफरेंस है प्लस, सेकंड ऐसे रहा और फर्स्ट का डिफरेंस है, और इसे सॉल्व कर देते हैं, वन अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स। अब देखिए मैं इसको देखो डिफरेंशियल कर रहा हूँ, पहले लोग का फिर साइन एक्स का, चेन सिस्टम से करेंगे यहाँ पे, लोग का होता है वन अपॉन एक्स, एक्स की काम कर रहा है साइन एक्स, साइन का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, अब ऐसे ही इसका करेंगे देखिए लोग साइन एक्स, और कोस का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, कोस का डिफरेंशियल क्या हुआ माइनस के साइन एक्स। अब देखिए वाई वन यहाँ आ जाएगा, वाई वन यहाँ हो गया, ये हो गया, हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो कॉस अपॉन साइन कर लो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इन टू कॉस एक्स, और ये माइनस थोड़ा यहाँ सही लगता है, मैंने क्या करा यहाँ लिख दिया माइनस का साइन एक्स, और ये लॉग साइन एक्स। ठीक है, वाई वन की वैल्यू रख दीजिए, वाई वन की वैल्यू कौन सी रखनी है, ये वाई क्या आ गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डी वाई वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई वन की वैल्यू कितनी है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और ब्रैकेट में कोस अपॉन साइन हो गया कोट
कोट एक्स इंटू कोस एक्स माइनस के साइन एक्स और लोग साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया डीवाई वन अपॉन डी एक्स। अब इसी तरह से हम निकालेंगे डीवाई टू अपॉन डी एक्स, तो ये यहाँ से निकालेंगे। देखिए तो डिफरेंशियल, पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लूँ, लोग वाई टू ये पहले आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, एन पहले आ जाएगा साइन एक्स, बिल्कुल वैसे करना जैसे वो किया फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल से, तो लोग वाई का वन अपॉन वाई टू का डी वाई अपॉन डी वाई टू, ठीक है समझ आ रहा। अब देखिए फर्स्ट ऐसे रहा, सेकंड का डिफरेंस है प्लस सेकेंड ऐसे रहा फर्स्ट का डिफरेंस है, फर्स्ट क्या साइन एक्स, मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ, अच्छा आ जाएगा। अब देखिए डी वाई टू अपॉन डी एक्स या गया वाई टू, ये हो गया साइन एक्स, लोग का डिफरेंस चैन सिस्टम करना जैसे वहां किया था, पहले लोग का फिर कोस का, लोग का हो गया वन अपॉन एक्स और कोस का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लोग कोस एक्स साइन का डिफरेंशियल हो गया कोस एक्स, वाई टू की वैल्यू रख दीजिए, वाई टू की वैल्यू कितनी है ये, तो यहाँ वाई टू की वैल्यू है कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, और ये हो गया देखिए साइन अपॉन कॉस टेन, अभी माइनस में पहले लिख लो टेन एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें कॉस को पहले लिख लें थोड़ा ठीक लगेगा, लो कॉस एक्स ये आ गया। अब देखिए ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे एक में, पुटिंग फर्स्ट तारखेंगे वैल्यू putting first, ठीक है फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या निकालना था मैं, यहाँ देखिए ये आ गया, मैं लिख दिया पूरा डिवाइड अपॉन डी एक्स, पहले तो ये लिखूंगा पूरा साइन एक्स की पावर कोस एक्स और ब्रैकेट में ये पूरा लिख दीजिए कोट एक्स इंटू कोस एक्स और उसके बाद माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, फिर प्लस ये वाला आएगा पूरा क्या आएगा यहाँ लिखूँ, देखिए कोस एक्स की पावर साइन एक्स और ये माइनस का टेन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स लॉग कोस एक्स, लो जी इतना लंबा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कुछ थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का कई क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आते हैं। मैंने एक सैम्पल क्वेश्चन आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस और क्वेश्चन की इसी आधार पे कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ पसंद आ रहा, मेरा मेथड समझ में आ रहा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।